चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है सी लैंग्वेज का। वैसे सारे स्टूडेंट्स तो हैं ऑनलाइन, वहां से खाली मैं ये साउंड चेंज कर दूं। सिर्फ माइक एक बार चेक कर लो। हाँ, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? सबको, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन, है ना? साउंड क्लियर है ना? क्या? हाँ, वो हो जाएगा, आवाज ज्यादा है इसके वजह से। ठीक है, अभी कनेक्ट हो रहे हैं सब लोग। तुम लोग कौन से कॉलेज के हो? जी सर। और तुम? अच्छा, सब एक ही क्लास के हो तुम? अच्छा, पीएसटी तुम? हाँ, ठीक है। देखो, हमें सी लैंग्वेज अभी स्टार्ट करना है। आप लोगों को क्या पता है, जो लोग ऑफलाइन हैं उन लोगों को, कि सी लैंग्वेज का क्या मतलब, क्या जानते हो आप लोग सी लैंग्वेज के बारे में? कौन से ईयर में हो आप लोग? सेकेंड ईयर में हो आप लोग? सेकेंड में ही हो सब लोग? आप भी थर्ड ईयर में? ठीक है, मतलब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सी लैंग्वेज पढ़ी है? नहीं पढ़ी? हाँ, अच्छा, फर्स्ट ईयर में पाइथन लैंग्वेज थी। देखो, अभी सी लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से। वैसे आज का कैमरा ऑनलाइन मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने आज लैपटॉप का कैमरा यूज किया, लेट हो गया था इसके लिए सेटअप नहीं हो पाया, अगले लेक्चर में मैं कर दूंगा सेटअप। सी लैंग्वेज जो बनाई गई थी वो 1972 में बनाई गई थी, और जिन्होंने बनाया था उनका नाम था डेनिस रिची। पहले तो ये चीज मैं बता ही रहा हूं आप लोगों से, उसके पहले मुझे ये बताना है कि सी लैंग्वेज जो है क्यों बनाई गई, ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा। सी के साथ साथ दुनिया में इस समय 800 से भी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिसमें सी आती है, सी प्लस प्लस आती है, जावा लैंग्वेज आती है, पाइथन आती है, आर लैंग्वेज है, गो लैंग्वेज है, उसके बाद एगड़ा, बहुत सारी लैंग्वेज है, आप लोगों ने सुनी भी होगी बहुत सारी लैंग्वेजेस। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो है, हमें सारी लैंग्वेजेस सीखने की जरूरत नहीं, यदि हमें जॉब करना है आगे, हमें कुछ लैंग्वेजेस हमारे कॉलेज के सिलेबस में होता है। हाँ, यहाँ तक कि स्कूल के सिलेबस में भी जावा है, लेकिन वो जो जावा है, अपनी जो सी लैंग्वेज है वही वाली जावा है। मतलब किसी भी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से सीखा जा सकता है, आप चाहो तो सी लैंग्वेज को भी स्टार्टिंग से सीख सकते हो, सी प्लस प्लस से भी शुरुआत कर सकते हो, जावा से भी करियर की शुरुआत कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि सी लैंग्वेज से करना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो इंडियन सिलेबस है उसमें ये हुआ कि अगर आपको लॉजिकली अच्छा बनना है, लॉजिकली मतलब आपको प्रोग्राम बनाते आने चाहिए, यदि आपको लॉजिकली अच्छा बनना है तो सी लैंग्वेज सीख लो। लेकिन सी प्लस प्लस में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, उसके बाद आती है जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन इन दोनों को सीखने की वजह से ये ज्यादा आसान लगने लगती है। तो मैं ये चीज ऑनलाइन वालों को भी बताऊंगा, तो ऑनलाइन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वैसे, तो आप लोग देख सकते हो जो भी बातें मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, तो हमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए सी का प्रोग्राम लिखने के लिए, इसके बारे में मैं बात करता हूं। लेकिन जब 1972 में डेनिस रिची जब ये बना रहे थे सी लैंग्वेज को, इन्होंने बनाया था, कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे इस लैंग्वेज की मदद से एप्लीकेशन बनाने का मौका मिलेगा, ऐसा इन्होंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि इन्होंने ये लैंग्वेज बनाई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम थी उस समय, और उसके लिए इन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया था। बाद में पता चला इन्हें कि अरे, इस लैंग्वेज से तो हम एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। जब ये जहां काम कर रहे थे उस कंपनी में, उसका नाम है AT&T, ये कंपनी है, और ये कंपनी US में है, और वहीं पे एक लैब है जिस लैब का नाम है बेल लैब, उसी लेबोरेटरी में इन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया था। दूसरी बात, उसी लैब के अंदर एक लड़का आता है नया, और वो आने के बाद
बोलता है इनसे कि मैं रिसर्च कर रहा हूं इस समय और आपकी सी लैंग्वेज पे रिसर्च कर चुकी है मैं, मतलब मैंने किया ही है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशन आपको करने चाहिए आपकी लैंग्वेज में। 1972 की बात मैं आपसे बता रहा हूं। तो उसने क्या किया, उस लड़के ने 1972 में कुछ, वैसे तो वो आया 1974 में था क्योंकि लैंग्वेज बन गई थी 72 में, 74 में वो आया पीएचडी कर रहा था, और उसके साथ साथ रिसर्च करते समय जब वो आया पहली बार, उसने देखा सी लैंग्वेज में कुछ चेंजेस बताए। उसने ये बताया कि इसके अंदर एक क्लासेस नाम की कंसेप्ट को ऐड करना चाहिए, पहली बात इसने ये बताई। फिर बाद में उसने रिसर्च करके एक लैंग्वेज बना दी और क्लासेस की कंसेप्ट को ऐड करके एक लैंग्वेज बनाई, और बाद में उसका नाम उसने रख दिया सी विथ क्लासेस, ये नाम रखा गया। वैसे तो हम सी लैंग्वेज ही यूज करते हैं, सी विथ क्लासेस उस लड़के ने रखा। बाद में उसी लड़के ने ये नाम बदल के, उसने सोचा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम तो एक ही वर्ड का होता है, तो मैं क्यों इतने सारे वर्ड्स यूज करूंगा इस लैंग्वेज को बनाने के लिए, तो उसने उसका नाम कर दिया C++। लेकिन ये कब किया उसने, 1980, वैसे ये जो सी विथ क्लासेस बन गई थी 79 में बन गई थी, लेकिन इसका जो नाम पड़ा वो 1982 में पड़ा, और बाद में लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुई 1984 में। वो लैंग्वेज थी C++, और C++ को जिन्होंने बनाया था उनका, उस लड़के का मतलब, उनका इस समय नाम है, नाम था बीजार्न स्ट्रोस्ट्रप, ये उनका नाम था जिन्होंने C++ लैंग्वेज को बनाया, और बाद में बहुत पॉपुलर हुई ये लैंग्वेज, और आज भी देखा जाए तो वर्ल्ड में फोर्थ सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली लैंग्वेजेस में एक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी, मतलब क्या होता है कि कौन सी लैंग्वेज कितनी यूज की जा रही है, ये नापने का पैमाना अलग अलग हो सकता है। अब हर कंपनीज अलग अलग तरीके से नापती है कि कौन, अब हर घर में जाके तो पूछेंगे नहीं कि आप सी लैंग्वेज यूज करते हो क्या, आप C++ करते हो क्या, आप जावा यूज करते हो क्या, ऐसा कितने घर में जाके पूछा जा सकता है बताओ मुझे। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसा किया कि इंटरनेट पे सबसे ज्यादा किस लैंग्वेज को सर्च किया जा रहा है ये देखा गया, उस हिसाब से तय किया गया, या फिर इंटरनेट पे गीट पे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किस लैंग्वेज में बनाए जा रहे हैं ये देखा गया। अलग अलग तरीके थे, उसमें पाया गया कि C++ फोर्थ नंबर की सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। दूसरी एक बात, C++ लैंग्वेज में बहुत सारे एप्लीकेशंस बने हुए हैं। आप जितने भी एडोब के सॉफ्टवेयर्स यूज करते हो वो सारे C++ में बने हैं। आप जितने भी गेम्स खेलते हो, चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी हो, पबजी हो, जितने भी गेम्स हैं, ये सारे के सारे C++ में बने हुए हैं क्योंकि ये बहुत फास्ट थी। अब सोचो आज भी इसको सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है दुनिया में, फोर्थ नंबर पे। वैसे पाइथन जावा स्क्रिप्ट वगैरह रेस में है इस समय, लेकिन पाइथन से 3 टाइम्स फास्टर है C++ अभी भी। तो स्पीड के मामले में ये आगे है। सोचो कब बनाई गई थी, आज के समय पे मॉडर्न लैंग्वेजेस भी इसकी बराबरी नहीं कर पाते। इसके लिए अभी तक तो सिलेबस से हटाया नहीं गया C++ को, उतनी यूज हो रही है तभी तो नहीं हटा है, नहीं तो अब तक हट गया होता। हाँ, पाइथन का यूज बढ़ गया तो पाइथन भी ऐड हो गई, ये मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि C++ चली गई। अभी भी आप डेटा स्ट्रक्चर सीखते हो, वहां पे भी इन चीजों को आपको सीखने को मिलता है, सी डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे आपसे ये बताना है अभी, एक मिनट खाली चेक कर लूं डिस्कनेक्ट हुआ क्या। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं करता हूँ कॉल, हाँ लेक्चर नंतर सिर्फ देख लूँ एक बार कि यूट्यूब वाला डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया इंटरनेट से, चल रहा होगा शायद, सिर्फ एक बार मैं चेक कर लूँ यहाँ पे, ऑनलाइन वाले तो कर ही रहे हैं। चल रहा है ना शायद, ठीक है चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो मैं यही बता रहा था आप लोगों से। अब बात आती है कि सी लैंग्वेज में क्या बना हुआ है। मैं आपको बोलूं, जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स हैं, जितने भी, ये सारे के सारे सी लैंग्वेज में बने हैं। अब बात आती है डिवाइस ड्राइवर्स की। आप बोलोगे कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है,
डिवाइस ड्राइवर का मतलब मैं आपसे बताता हूं कि आप बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हो। जैसे आपने एक नया प्रिंटर खरीदा, प्रिंटर खरीदने के बाद उसके साथ एक सीडी मिलती है, आप लोग जानते होंगे। जब तक वो सीडी आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके इंस्टॉल ना करो, तब तक आपका प्रिंटर चलता नहीं। अभी जिस डिवाइस पे मैं लिख रहा हूं ना, ये जिस डिवाइस पे, ये जो डिवाइस है पेन टैबलेट मैं जो यूज कर रहा हूं, जब इसे मैंने पहली बार खरीदा था तो इसके साथ भी मुझे सीडी मिली थी। उस सीडी को यदि मैं डायरेक्टली अगर कनेक्ट कर दूं बिना सीडी के, अगर मैं इसको अपने इस पेन टैबलेट को कनेक्ट कर दूं तो डिटेक्ट ही नहीं करेगा। डिटेक्ट इसलिए कर पा रहा है, उसके साथ एक सीडी मिली थी, मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। मतलब ये जिस कंपनी का मेरा टैबलेट है पेन टैबलेट, उस कंपनी का मैंने एक सॉफ्टवेयर डाला। हाँ, लेकिन मैंने सोचा, अरे यार सीडी लगाने के लिए तो मेरे लैपटॉप में जगह नहीं है, क्योंकि समय के साथ चेंजेस हुए और धीरे धीरे लैपटॉप से ड्राइवर जो राइटर का पोर्ट होता वो भी हटा दिया गया। अब राइटर नहीं मिलेगा आपको, किसी किसी पुराने लैपटॉप में मिल जाता है, लेकिन अभी के जो नए लैपटॉप्स हैं उसमें आप डीवीडी या सीडी नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी यूएसबी का ज्यादा यूज होता है, यूएसबी ज्यादा चलता है और ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं कि सीडी डीवीडी टूट जाती है, खराब हो जाती है, स्क्रैच आ जाते हैं उस पे। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया मेरे इस टैबलेट का जो भी नाम था, और मुझे वहां पे एक ड्राइवर दिखाई दिया। मैंने वो ड्राइवर डाउनलोड किया और अपने लैपटॉप में डाला। जब मैंने ये डाला, उसके बाद जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, तुरंत मेरा पेन चलने लग गया और तुरंत आ गया डिवाइस इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। मतलब इस कंप्यूटर को मैंने उस सॉफ्टवेयर की मदद से समझाया कि इस डिवाइस को चलाया कैसे जाता है, पहले मैंने वो समझा दिया। उसी तरीके से प्रिंटर जब आप नया खरीदते हो तो उसके साथ भी एक सीडी मिलती है, चाहे एचपी का प्रिंटर हो, चाहे इप्सन का प्रिंटर हो, चाहे किसी भी कंपनी का प्रिंटर हो। और वो सीडी जब आप कनेक्ट करोगे या लगाओगे, मतलब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से, विंडोज से ये बता रहे हो कि ये डिवाइस को चलाया कैसे जाता है। फिर आप बोलोगे, क्या ये बात विंडोज को पहले से पता नहीं होती चलाते कैसे है? नहीं पता होती। जब विंडोज 11 बनाया जा रहा था, उस समय माइक्रोसॉफ्ट ने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई एचपी का ये वाला मॉडल और ये वाला प्रिंटर कनेक्ट करेगा। अगर उन्हें ये बात पता होती तो माइक्रोसॉफ्ट वाले उसी समय इसको डाल देते, या फिर एचपी वाले जाते, एचपी वाले ये बोलते, सुनो हमारा प्रिंटर बहुत बिकता है, दुनिया में हर एक इंसान यूज करता है, तो आप ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये इनबिल्ट इंस्टॉल्ड कर दो। जैसे माउस का सॉफ्टवेयर पहले से, हम नया माउस खरीदते हैं, कनेक्ट करते हैं, तुरंत चलने लग जाता है। हम नया कीबोर्ड खरीदते हैं क्योंकि कीबोर्ड के बारे में पहले से बताया हुआ है। तो दुनिया में जो कॉमन चीजें हैं ना, उनका सॉफ्टवेयर पहले से डाला गया है, इसलिए वो चल रही है। लेकिन ऐसी भी चीजें हैं जो बहुत कम लोग यूज करते हैं। सब लोग तो प्रिंटर घर में खरीदते नहीं और सब लोग तो कनेक्ट करते नहीं, इस वजह से उसके बारे में नहीं। अगर फ्यूचर में हर एक के पास एक ही कंपनी का एक ही प्रिंटर होगा तो हो सकता है उसका सॉफ्टवेयर मिल जाए। जब मैं पहली बार लैपटॉप चलाना मैंने कंप्यूटर को देखा था 2003-04 में, मुझे याद है, 4-5 की बात है, एकदम नया नया मैंने स्कूल में था और मैंने जब कंप्यूटर देखा था, तो उस समय ना जब मैंने, मेरे दोस्त का कंप्यूटर था, उसपे हमने सॉन्ग को प्ले किया, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा था, स्पीकर से आवाज नहीं आ रही थी। मैं ये सोच रहा था, आवाज क्यों नहीं आ रही है, मेरे दिमाग में ये सवाल आया, आवाज क्यों नहीं आ रही है। बाद में पता चला स्पीकर को चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर लगता है, और विंडोज एक्सपी हुआ करती थी उस समय, मुझे याद है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा विंडोज एक्सपी, और विंडोज एक्सपी सर्विस पैक 1 जो था पहला, उसके अंदर ऑडियो ड्राइवर नहीं था। तो इसलिए जब मैं गाना प्ले करता था बजता नहीं था। अलग से मैंने इंटरनेट से मेरे दोस्त से कहा, तुम रियल टेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। हाँ, लेकिन तभी नहीं, इंटरनेट से भी नहीं बोला था, सीडी थी उसकी, रेड कलर की सीडी आती थी, क्योंकि तभी 2002-03-04 में इंटरनेट का इतना मुझे नहीं आता था कि हमने यूज किया था, तो वो सीडी डाली, तब वो रियल टेक सॉफ्टवेयर डाला, तब जाके वो चालू हुआ, तब हमें पता चला कि एक हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे सी लैंग्वेज में बनते हैं। ये चीज हमें बाद में पता चली। तो अभी जो मैं ये जो डिवाइस यूज कर रहा हूँ, इसका भी सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज में बना है। उसके बाद आप क्विक हिल जानते हो, क्विक हिल जो एंटीवायरस है, लगभग सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज की जाती है उसमें, क्योंकि सी लैंग्वेज ना हार्डवेयर से जुड़ी हुई लैंग्वेज है, उसे मिड लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। मिड लेवल जो हार्डवेयर से भी जुड़ी हो,
और सॉफ्टवेयर दो, मतलब हाई लेवल और लो लेवल को मिला के। अब आप बोलोगे कि डिवाइस ड्राइवर इसे ही कहा जाता है कि हाँ, जिस डिवाइस को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। बस यही है डिवाइस ड्राइवर, कुछ अलग नहीं है। और देखा जाए तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे जनरल, यहां तक कि विंडोज 11 भी सी लैंग्वेज में बना हुआ है। हाँ, मतलब सिर्फ सी नहीं है, और भी लैंग्वेजेस है, लेकिन सी का भी मेजर रोल है विंडोज को बनाने के लिए। सोचो, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी सी लैंग्वेज को यूज करती है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हमें करियर करना है सी लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिलेबस है कॉलेज का, उसमें हमें थर्ड ईयर या लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट जो होता है वो सी सी प्लस प्लस में नहीं होता, वो जावा में होता है या जावास्क्रिप्ट में होता है या पाइथन में होता है। तो हम करियर भी उन्हीं लैंग्वेजेस में करने को सोचते हैं, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट उन लैंग्वेज में बनाया है। यदि अगर सी लैंग्वेज में ही प्रोजेक्ट बनाए जाए तो आप करियर भी उसमें करने को सोचोगे। और है ना, बहुत सारी कंपनीज हैदराबाद में है, कंपनीज पुणे में है, कंपनीज जो सी सी प्लस प्लस पे काम, मेरा खुद दोस्त काम करता है अच्छे पैकेज पे, सी प्लस प्लस पे करते हैं, कोई जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है, वो सब तो अलग हो गया कि वो कॉमन चीजें हैं। लेकिन ये अलग है, जो आप कभी नहीं सोचोगे कि मुझे करियर करना है सी प्लस प्लस में, ऐसा आप कभी नहीं सोचोगे। आप, मैं करियर करना चाहता हूँ सी लैंग्वेज में, आप कभी नहीं सोचोगे। तो ये फर्क पड़ जाता है। तो जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो, यहां तक कि पाइथन ने क्या चालाकी दिखाई पता है ना, पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उसने सारी लाइब्रेरीज सी लैंग्वेज में बनाई हुई है। मतलब नम पाए, ये लाइब्रेरी भी सी लैंग्वेज में बनी है। पांडाज, ये लाइब्रेरी भी सी प्लस सी लैंग्वेज में बनी है। मैट प्लॉट लिब और ऐसी न जाने कितनी लाइब्रेरीज हैं पाइथन ने सी लैंग्वेज में बनाई। क्यों बनाई होगी आपके हिसाब से, क्या रीजन होगा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ। हाँ, इससे पूछो, तुम बताओ क्या रीजन होगा। मैंने क्या पूछा, सुना तुमने? हाँ बताओ, क्या लगता है तुम्हें? हाँ, नहीं तुमने सुना नहीं पूरा लेक्चर, शायद बात कर रहे थे उससे। उसका रीजन ये है कि सी फास्टेस्ट लैंग्वेज है और पाइथन ये चाहता है कि उसकी लैंग्वेज बहुत फास्ट काम करे, बस इसीलिए उसने अपनी सारी लाइब्रेरी सी लैंग्वेज में बनाई। दूसरी एक बात, जब आप पाइथन लैंग्वेज सीखते हो या कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो हमें ना एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। उसका रीजन क्या है, मतलब जैसे पाइथन सीखना है तो पाइचार्म सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है या फिर पाइथन आइडियली डाउनलोड करना पड़ता है। कोई भी, आप नोटपैड में क्यों नहीं कर सकते प्रोग्राम? क्या रीजन होगा, यदि आप जानते हो तो मुझे बता सकते हो। नोटपैड में क्यों नहीं कर सकते? गुड, इसका एक जवाब यह है, अब कंपाइल नहीं करता नोटपैड, ठीक है, अब ऑनलाइन वाले भी यही जवाब देंगे, कंपाइल नहीं करता। लेकिन मुझे ये जानना है कि कंपाइल शब्द का मतलब क्या है। कंपाइल सुना है आपने? हाँ, आपने पाइथन सीखी है तो शायद सुना होगा। सुना है? नहीं, नहीं पता, ठीक है। हाँ, जैसे तुम्हें पता है वैसे और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन हैं अभी, वो लोग बता रहे हैं कुछ तो। ट्रांसलेट कुमार रजनीश का जवाब है और लोगों के जवाब आ रहे हैं मुझे, तो मैं आपको बताता हूं। आपने, चलो कोई प्रोग्राम लिखा, मान लेते हैं आपने प्रोग्राम लिखा, आप ये जो प्रोग्राम लिखते हो ना सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो। मैं यहां लिखता हूं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, कैसे आप लिखोगे? प्रिंट एफ वगैरह, जिसको सी लैंग्वेज पता है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में। अब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहां पे है, वो क्या बोल रहा है जानते हो? कि मैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं जानता, दुनिया में 800-900 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, कहां से मुझे पता है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे चलाया जाता है और कैसे ऐप बनाया जाता है? मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ बाइनरी नंबर्स को जानता हूं, क्योंकि मैं पूरा का पूरा बाइनरी नंबर से बना हुआ है। ये मशीन बोल रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे मशीन भी बोलते हैं। तो क्या करो आप, ये जो आपका प्रोग्राम है ना, इसको कन्वर्ट कर लो और मेरी भाषा में कन्वर्ट कर लो ताकि मैं उसे समझ पाऊं। तो फिर आपने सोचा अब क्या करूं, मशीन की भाषा में अगर मुझे मेरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कराना है तो क्या करूं?
तो सी लैंग्वेज में होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है जानते हो? कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड, दिस इज योर सोर्स कोड, इनटू मशीन कोड। मशीन को समझ में आए इस कोड में कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है आपके सोर्स कोड को। ये पाइथन में भी यही जवाब है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सी लैंग्वेज में मैं ये जवाब दे रहा हूं, हर लैंग्वेज में जवाब यही है, कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। अब मशीन कोड में हो गया तो जनरली अब कंपाइलर नोटपैड में होता ही नहीं, तो मैं क्यों यूज करूं नोटपैड? करेगा कौन कंपाइल? कंपाइल करना मतलब एक नई फाइल बनाना। अभी मैं कंपाइल करूंगा प्रोग्राम, आपको दिखाता हूं, एक नई फाइल बनेगी, बस मुझे नई फाइल ही बनाना है। अच्छा, इस फाइल का नाम क्या रखेंगे? चलो मैं रख देता हूं डेमो डॉट सी। चलो डॉट सी एक्सटेंशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं सी के प्रोग्राम कर रहा हूं, यदि मैं पाइथन का करता तो डॉट पी वाई देता, अगर मैं जावा का करता तो डॉट जावा देता, और अगर मैं जावा स्क्रिप्ट का करता तो डॉट जेएस देता। किसी भी लैंग्वेज में जब भी आप उस लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हो ना, तो आपको वो एक्सटेंशन देना पड़ता है ताकि सॉफ्टवेयर को पता चल सके प्रोग्राम किस लैंग्वेज में है। अब चलो आपने डेमो डॉट सी दिया, कंपाइल कर लिया मतलब कन्वर्ट कर लिया, तो एक नई फाइल बन चुकी है कंपाइलर के द्वारा, उसका नाम क्या है पता? डेमो डॉट ई एक्स ई। बस ई एक्स ई फाइल को ही ये चला सकता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। आप बोलोगे एंड्रॉइड वाला चला सकता है? नहीं, एंड्रॉइड वहां पे नहीं, आपके मोबाइल वाला सपोर्ट किसको करता है? एपीके फाइल को, वो उस फाइल को करता है, विंडोज ई एक्स ई को करता है। तो सब फाइल्स का अलग अलग एक्सटेंशन होता है, तो इसका ये एक्सटेंशन है कि ये जो विंडोज है बोल रहा है मुझे ई एक्स ई फाइल दे दो। अब बोलोगे मैक करेगा सपोर्ट? नहीं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट आउट फाइल को सपोर्ट करता है। अब आप बोलोगे डॉट आउट फाइल, हाँ कंपाइल करने पे उसका कंपाइलर ये वाली फाइल बनाएगा, उसका वाला। अब अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो लोग अलग अलग। फिर आप बोलोगे क्या अगर मैं सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखूं विंडोज में यदि, और कंपाइल करके उस फाइल को मैक में चलाऊं, इस फाइल को तो नहीं चलेगी? नहीं, इसीलिए तो सी को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता, डिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होती है, जिस प्लेटफॉर्म पे बनेगी, प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी पे चलेगी। विंडोज पे बनी तो विंडोज पे चलेगी, मैक में बनी तो मैक में चलेगी, लिनक्स में बनी तो लिनक्स में चलेगी। जरूरी क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, इसलिए डिपेंड है ना उस पर, जहां बनती है वहीं चलती है। इसीलिए सी सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज होने की वजह से 1991 में जावा आ गई। ये पहली लैंग्वेज थी जब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आई, ये जावा। कितना बड़ा फीचर है, बनाओ विंडोज पे चलाओ लिनक्स में, बनाओ मैक में चलाओ विंडोज में, कितनी अच्छी बात है। तो ये यहां से शुरुआत हुई, और इसे जिन्होंने बनाया था उनका नाम था जेम्स गोसलिन, एक इंडियन है, उनके दोस्त थे विनोद खोसला करके हैं, आईआईटी दिल्ली से पास आउट थे, और इन्होंने मिलके एक कंपनी बनाई थी सन माइक्रो सिस्टम्स नाम की, और बाद में इन्होंने जावा लैंग्वेज को उन्होंने कंपनी छोड़ दी थी, जो विनोद खोसला थे उन्होंने कंपनी छोड़ दी थी, कुछ इनके बीच में हुआ होगा आपस में, 1981 में बनाई, 84-85 में छोड़ दी, और 1991 में इन्होंने बना दी जावा। नाम तो ओक रखा था, बाद में जब कॉपीराइट का कुछ इशू आया होगा, कॉपीराइट का इशू आया था तो इन्होंने जावा रखा, उसमें भी एक डाउट था सिल्क रखें या जावा रखें, तो ये हुआ कि सिल्क नहीं सही, मतलब वोट्स मिलते थे उस समय, तो वोट्स जो कंपनी के एम्प्लॉई थे आपस में उन्होंने वोट किए और जावा को वोट ज्यादा मिला। जावा वैसे कॉफी का एक टाइप था, आप जब जावा का देखोगे लोगो तो ऐसे टाइप का होता है, आपने देखा भी होगा शायद, तो ये रीजन है उसका। उसके बाद की बात है, अब ये आई थी 1991 में, बाद में इसी सन माइक्रो सिस्टम्स को खरीदा किसने मालूम है? एक्वायर कर लिया ओरेकल ने 2010 में। इसीलिए इस समय अब जावा किसका प्रोडक्ट है? ओरेकल का। आपको oracle.com से जावा को डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप जावा यूज करना चाहते हो तो, वो तो बात की बात है। लेकिन सवाल ये है कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हमें कंपाइलर अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं, कर सकते हो प्रोग्राम नोटपैड में लिखो और अलग से कंपाइलर डाउनलोड करके कंपाइल करो। अब उसमें आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ऐसा मत करो,
हाँ कॉलेजेस में ना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सेंट ओएस, उबंटू, तो उस समय वो लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटर में ही लिखवाते हैं प्रोग्राम, बाद में कंपाइल करने के लिए अलग से कंपाइलर इनबिल्ट होता है उसके अंदर, वो यूज करते हैं। विंडोज के साथ इनबिल्ट नहीं आता, मैक के साथ आता है, लिनक्स के साथ आता है इनबिल्ट। सी सी प्लस प्लस का कंपाइलर और पाइथन का कंपाइलर इनबिल्ट आता है, विंडोज के साथ नहीं आता। इसीलिए विंडोज पे हम करते समय एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसके पास इनबिल्ट कंपाइलर हो। कौन सा है पता है? कोड ब्लॉक्स। और कौन सा है जानते हो? टर्बो सी प्लस प्लस। और एक बात बता देता हूं आपको, डेटा स्ट्रक्चर सीखना है तो बहुत जरूरी है सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी। डेटा स्ट्रक्चर वैसे भी कोई लैंग्वेज नहीं है, उसमें प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बहुत सोच समझ के आप बनाते हो, तो इसलिए बहुत दिमाग उसमें लगाना पड़ता है। तो आपको उस लैंग्वेज, उस सब्जेक्ट को सीखने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे डिबेट करना है, न्यूज, आप कहीं गए हो, आपको किसी के साथ डिबेट करनी है, डिबेट किस भाषा में करनी है ये अलग बात है, डिबेट करनी आनी चाहिए ये अलग बात है, दो अलग अलग बातें हैं। आपको भाषा आती इसका ये मतलब नहीं डिबेट आएगा। तो भाषा लैंग्वेज है सी, सी प्लस प्लस या जावा। डिबेट करना है यूजिंग सी, मतलब इस भाषा में डिबेट करना है यूजिंग सी प्लस प्लस इस भाषा में, या जावा जो भी आप पसंद करो, या पाइथन। तो भाषा के हिसाब से हो सकता है कम लाइंस में डिबेट हो जाए। अगर सी लैंग्वेज में बड़ा प्रोग्राम बनता है तो पाइथन में छोटा बन जाता है, क्योंकि उसके सिंटैक्स वैसे हो सकते हैं, तो ये फर्क पड़ता है, बाकी कुछ नहीं, दिमाग एक ही लगाना है। आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या फर्क है। इसके अलावा और कौन सा सॉफ्टवेयर है? वीएस कोड नाम का एक सॉफ्टवेयर है, आप जिसके अंदर सी के प्रोग्राम लिख सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊं वीएस कोड के अलावा ये क्या नाम है, डेव सी प्लस प्लस, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, आप इसमें भी कोडिंग कर सकते हो। मुझे आपको ये बताना है कि डाउनलोड कैसे करते हैं। ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, कोड ब्लॉक्स डाउनलोड, बस इतना सर्च करो, तुरंत वेबसाइट आएगी। वीएस कोड में कैसे करते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे डाउनलोड्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे तुरंत वेबसाइट आ गई, डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, देख सकते हो आप लोग। मतलब codeblocks.org पे गया, डाउनलोड्स पे गया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से रुको, ये पूछ रहा है विंडोज के लिए चाहिए आपको कोड ब्लॉक्स, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है उसके लिए चाहिए, या लिनक्स के लिए चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ मुझे विंडोज के लिए चाहिए, क्योंकि मेरा लैपटॉप विंडोज वाला है, आपका दूसरा है मैक वाला, तो आप मैक वाला कर लेना। और इसमें भी फोर्थ वाला डाउनलोड करना, कंपाइलर वाला, MINGW कंपाइलर का नाम है, हाँ वो वाला करना। विदाउट कंपाइलर ही करना है तो नोटपैड ही कर लो ना डाउनलोड, उसी में प्रोग्राम लिखो, क्या फायदा, जब वो कंपाइल ही नहीं होगा तो फायदा क्या है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि पहले तीन डाउनलोड कर लेते हैं और उनका चलता नहीं, फिर बोलते हैं अरे ये क्या हो रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ फोर्थ वाला, बस इस पे क्लिक करो, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब डाउनलोड स्टार्ट हो गया तो उस पे जब सेटअप आ जाएगा उस पे डबल क्लिक करो, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर दो, हो गया, आ गया। दिखाता हूं सॉफ्टवेयर कहां दिखता है। ये देखो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, आप देख सकते हो, कोड ब्लॉक्स नाम का। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन, बहुत सारे नहीं हैं इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे दो लेक्चर्स हो चुके हैं सी लैंग्वेज के, यहां पे नहीं हुए थे, इसके लिए मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया। अब उनको बोला था कि आप लोग नहीं भी अटेंड करोगे तो भी चलेगा, ऑलरेडी दो लेक्चर हो चुके थे, अब आगे का लेक्चर चल रहा है। मैंने सोचा फिर एक काम करता हूँ, स्टार्टिंग से शुरू कर देता हूँ, हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे उनको सीखने को मिल जाएगा, कुछ ऑनलाइन भी कर रहे होंगे वहां से भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ऑलरेडी दो ग्रुप हमने बनाए हैं, ज्यादातर ऑनलाइन वाले ही बच्चे हैं, दोनों पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड हैं, और जो हमारी चल रही है बैचेस उसमें भी बहुत सारे बच्चे कर ही रहे हैं। और यहाँ मैं अभी पुणे में आया हूँ तो यहाँ मुझे मिला मौका पढ़ाने का, यहाँ पे भी और भी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, जो छुट्टियां चल रही है भी आएंगे एक दो दिन के बाद, वो भी तो कंटिन्यू हो जाएगा। और मैं यही चाहता हूँ कि सैटरडे संडे दो दिन आप लोगों को टाइम दूँ, आप लोगों को आपके जो भी डाउट्स हो वो क्लियर करूँ, जितना अच्छा पढ़ा पाऊँ कोशिश करूंगा। कि आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा ये तो 100% आप बोलोगे ही जब कुछ समय बीतेगा उसके बाद। स्टार्टिंग में होता है कि पहली बार आप किसी को देखते हो, समझते हो और चीजें समझ में आने लगती है। अभी मैंने खुद वीडियो डाला था यूट्यूब पे, खाली उस समय मेरे सब्सक्राइबर थे 3000 जब मैंने वीडियो डाला था पाइथन का वन शॉट वीडियो, उसको लाखों में व्यू आ गए।
और इतने कमेंट कि आज तक हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा, और पेड बैच से भी बेटर पढ़ा हमने पहली बार ऐसा। हमने ऑफलाइन क्लासेस लगवाए थे, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हम कभी पढ़ पाएंगे, वो भी ऑनलाइन, वो भी यूट्यूब पे फ्री। तो कंटेंट थोड़ा कमी था उसमें, लेकिन फिर भी पाइथन का मैंने डाला हुआ है वन शॉर्ट वीडियो, उसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर पहुंच गए 70,000 के ऊपर खाली एक वीडियो। अभी तो फिर मैंने डीएस का डाला, डेटा स्ट्रक्चर, फिर मैंने जावा का डाला, उसके बाद सी प्रोग्रामिंग का भी डाला था वन शॉर्ट वीडियो। लेकिन ठीक है, क्या होता है कि हम रिकॉर्डेड देखते हैं ना, तो हमारा उतना मन नहीं लगता रिकॉर्डेड में, जैसे आप लोगों ने भी घर पे अगर देखा होगा तो रिकॉर्डेड हम करते हैं तो फिर मन बहुत कम करता है, करेंगे बाद में, कर लेंगे कल, कर लेंगे थोड़ी देर में, करते हैं अभी। तो मैं कॉलेज से आया, तुरंत पढ़ने कैसे बैठ जाऊं, मेरा टाइम है रात को 9 बजे का, उससे पहले मैं कैसे बैठू, अभी तो 6 बज रहे हैं, नहीं मैं तो 9 बजे ही बैठूंगा। फिर 9 बजे ये होगा, अरे यार अभी तो खाना भी बाकी है मेरा, एक काम कर लेता हूँ, खा लेता हूँ उसके बाद पढ़ूंगा, फिर उसमें टाइम पास 10 बज गए, अरे 10 बजे तो मैं मोबाइल चलाता हूँ, 9 बजे ही मेरा टाइम था, एक काम करता हूँ कल से शुरू करता हूँ पढ़ाई, फिर छूट जाता है, अरे अभी तो शुक्रवार चल रहा है ना, मंडे से शुरू करता हूँ, नए दिन से नई पढ़ाई शुरू करूंगा, फिर मैं मंडे से शुरू करूंगा, फिर मंडे आया, अरे महीने की 18-19 तारीख चल रही है, एक काम करता हूँ 1 तारीख से शुरू करता हूँ, नया महीना नई तारीख और नए तारीख से, ऐसे करते 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 हम स्कीप कर देते हैं, सीरियसली लेते नहीं। अब मेरा लेक्चर है महीने के एंड में, फिर भी आप लोग आए हो, आपके दिमाग में ये नहीं आया 1 तारीख से शुरू करूंगा, क्योंकि ये लाइव लेक्चर है। लाइव लेक्चर का ये बेनिफिट होता है कि आप सामने होते हो, सारी चीजें समझ पाते हो, जो भी मैं बोलता हूँ वो भी, और आसान लगता है, और कब समय निकल जाता है पता नहीं चलता, यही 1 घंटे देखने की बात। हाँ जो लोग ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं उन्हें भी ठीक लग जाएगा, लेकिन फिर समय निकलने की बात आए रिकॉर्डेड में तो उतना मजा फिर नहीं आएगा, होता है ऐसा। तो एक ये चीज हो गई, ये देखो ये सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल का, देख रहे हो, यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू का, यहाँ पे एक ऑप्शन है एम्प्टी फाइल का। चलो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो, तुम बहुत सीरियस लगते हो पढ़ाई में, हो क्या, सच बताओ, तो जाओ ना, अगर शुरू हो गया है क्या, अच्छा अभी नहीं। क्या होता है कि जैसे, हाँ वो क्या होता है, दूसरा क्लास है तुम्हारा, तो जो सीखना चाहता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है तुम्हारे वजह से। ऐसा भी होता है कि अगर कोई और तुम्हारा दोस्त है, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ, और तुम सीखना नहीं चाहते हो तो दो लोगों को डिस्टर्ब कर दोगे, कुछ ना कुछ बोलते रहोगे, उसका भी मन नहीं लगेगा सीखने में, तो ऐसा होता है जनरली। तो देखो अभी, और मैं एक तो बहुत स्ट्रिक्ट इंसान हूँ, मुझे ये चाहिए कि मेरा जो स्टूडेंट है बहुत आगे जाए, मेरे दिमाग में ये टारगेट होता है। और पेड बैचेस में, मैं नासिक में पढ़ाता हूँ, जगह नहीं होती क्लास में बैठने को पहली बात तो, और आधे तो रिटर्न चले जाते हैं, भेज देता हूँ रिटर्न, जगह ही नहीं कहाँ बैठा हूँ। तो उसमें ये होता है कि अगर आप सीरियसली क्लास नहीं करोगे तो क्लास करो ही मत मेरा, क्योंकि मेरा एक मकसद है कि पढ़ाऊंगा सबसे अच्छा पढ़ाऊंगा, और उस बच्चे का फायदा जब होगा तो वो याद रखेगा। यहां से अभी शुभम शिंदे करके मेरा एक स्टूडेंट है, वो नासिक आया था खाली सीखने के लिए, यूट्यूब पे मैंने उसके साथ इंटरव्यू लिया है, शुभम शिंदे विथ विकास सिंह, आप ऐसे सर्च करना, कोडिंग सीखो सर्च करना, कोडिंग सीखो मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब के, उसका वीडियो देखना। अभी वो प्लेस हो गया, वो यहाँ पुणे से नासिक आया था, 6 महीने का उसने कोर्स किया था मेरे पास, वहां सीखा, वापिस आया, जॉब पे लगा, अभी वो पूरा सेट है एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई उसको। यहाँ पे उसको कोई पढ़ा ही नहीं पाया, उसने ही मुझे बताया कि सर हमारे यहाँ पे इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे क्लासेस हैं, मैं हर क्लासेस घूम चुका था लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ा। और मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि नासिक में क्लास है जहां मैं सीखा हूँ, तुम वहीं जाओ। वो टीसीएस में था मेरा दूसरा दोस्त, मेरा दूसरा स्टूडेंट प्रज्वल पेंडारी करके उसका सरनेम है, तो टीसीएस में, और ये भी अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है, अभी तो इसने 4 व्हीलर वगैरह भी खरीदी 2 साल के अंदर, तो काफी अच्छा सेट है, 10 लाख के ऊपर का ही पैकेज है उसका, बहुत सीरियसली नहीं किया उसने, लेकिन जो किया वैसा ही किया उसने, तो प्रॉब्लम हुई नहीं। तो मुझे यही बताना है कि अगर आप सीरियसली लो तो आपका बहुत फायदा है। आप ये बोलोगे मुझे कि हाँ मानना पड़ेगा हमने जो पढ़ा, आपने और भी लेक्चर्स किए होंगे, आपको वो एक्सपीरियंस आएगा, मैं 2-3 घंटे तक पढ़ा दूं
वो भी कोडिंग जैसा सब्जेक्ट पढ़ाना है, जो कि ऐसा सब्जेक्ट है, टेक्निकल है पूरा, जिसमें बोर ही होता है कोई भी हो, वो बोर होता है, कोडिंग सुन के ही बोर हो जाता है। ये शब्द ही ऐसा है कि यार बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको किस तरीके से उसको अच्छे से समझा पाऊं, आपको भी आसान लगे कहानियों के माध्यम से। ये सब चीजें बड़ी जरूरी होती है, तो उस पर ध्यान रखना पड़ता है मुझे। दूसरी चीज, ये सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहा है, अब मैंने तो जो भी लिखना है यहां लिखना है, मैं क्या करूंगा, इसे सेव करूंगा। पहला काम यही किया करो, कोई भी प्रोग्राम यदि बनाना है तो उसको सेव किया करो। उसके बाद एक ऑप्शन है डेस्कटॉप का, डेस्कटॉप पे क्लिक किया करो। मतलब अभी तो मुझे डेस्कटॉप पे रखना है, इसलिए मैंने डेस्कटॉप लिखा है। उसके बाद मैं लिखता हूं फर्स्ट वन डॉट सी, सी एक्सटेंशन क्यों दे रहा हूं, सी का प्रोग्राम है, जावा होता तो मैं डॉट जावा देता। सेव किया तो ये अभी डेस्कटॉप पे आ गया होगा, देखते हैं कहां पे, डेस्कटॉप पे फर्स्ट वन ना, हाँ, तो ये फाइल हटा देता हूँ, डिलीट कर दूँ, कर दिया डिलीट, ठीक है। एक ही फाइल है, आप देख सकते हो मेरे डेस्कटॉप पे आपको दिखाई दे रही, फर्स्ट वन डॉट सी। अभी उसके अंदर कुछ लिखा है क्या, नोटपैड में ओपन करूँ, हाँ इसमें कुछ भी नहीं है, सही है, चलो लिखते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम अब आप बोलोगे शुरू कहां से करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, मेन लिखना है इस वर्ड को, इसके आगे दो ब्रैकेट्स लगाना है और उसके बाद मेन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट लिखने से स्टार्ट नहीं होगा, चालू हो जाओ लिख देने से नहीं चालू होगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने से स्टार्ट होगा। ये मेन को स्टार्ट किया और मैंने मेन को एंड किया, देख लो कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, ये मेन एंड हो चुका है, तो मैंने स्टार्ट भी किया एंड भी कर दिया, दोनों काम हो गए। अब बात आती है आगे प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है। आप अभी इतना भी प्रोग्राम कंपाइल करूंगा ना, एक नई फाइल बन जाएगी। अपना कंपाइलर बनाता है, बहुत अच्छा है अपना कंपाइलर, दिखाऊं, बिल्ड करता हूं यहां पे, आप देखोगे तो नई फाइल्स बन जाएगी, देखो बन गई, बिल्ड किया बन गई, बिल्ड मतलब कंपाइल, इस सॉफ्टवेयर में बिल्ड है। अभी मैं डेव सी प्लस प्लस यूज करता तो बिल्ड नहीं लिखा होता, कंपाइल लिखा होता, नाम एक ही है, बिल्ड कंपाइल एक ही बात है। तो डिलीट करता हूं मैं, वैसे भी अगर फिर से बिल्ड करोगे तो एक नई फाइल आ जाएगी वापिस से, ऐसा होता है। अब बात आती है प्रोग्राम लिखने की, लिखते क्या है। यदि आपका दोस्त ये बोलता है मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दो जिसमें हेलो फ्रेंड्स प्रिंट होना चाहिए, आप सोचोगे हेलो फ्रेंड्स प्रिंट होना चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाएगा ना। आप तुरंत लिखो प्रिंटएफ नाम का वर्ड, इसके आगे दो ब्रैकेट्स लगा दो। पाइथन लैंग्वेज होती तो मैं प्रिंट लिखता ना कि प्रिंटएफ, प्रिंट लिखता। यहां पे क्या लिखना पड़ता, प्रिंटएफ। तो ठीक है, पुराना कन्वेंशन था, नया इन्होंने चेंज किया, बाद में पाइथन मॉडर्न लैंग्वेज मानी जाती है, तो इन्होंने प्रिंट कर दिया। उस समय प्रिंट एफ हुआ करता था। क्या चाहिए आउटपुट स्क्रीन पे, हेलो ना, तो मैं लिख देता हूं हेलो अमित, लिख दूं अमित, बस फिर से कंपाइल यहां से करता हूं बिल्ड, बस हो गया, ये नई फाइल बन जाएगी, देखो बन गई। इस पे डबल क्लिक करूंगा तो क्या दिखेगा पता है स्क्रीन पे, हेलो अमित, दिखाऊं, देखो दिखा नहीं दिखा, फिर से देखो, अब दिखा नहीं, फिर से देखो, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है, हेलो अमित तो आ रहा है लेकिन स्क्रीन फिर चली जा रही है। आपने ये बोला क्या स्क्रीन रुकी हुई रहे, बोला प्रोग्राम में नहीं, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है हेलो अमित वाला, वो प्रिंट करता है स्क्रीन चली जाती है, आपने बोला क्या रुकने को, नहीं बोला, इसलिए रुक नहीं रही। हाँ ये एप्लीकेशन पेन ड्राइव में कॉपी करके उसको दे दो, वो डबल क्लिक करेगा, तुम बताना दिखा दिखा, उससे पूछ रहा दिखा क्या, तो बोलेगा हाँ दिखा लेकिन चली गई, मुझे रुकना चाहिए। हाँ तो पहले बोलना चाहिए था ना, फिर बनाओ, आप फिर बनाओगे उसके लिए। हाँ लेकिन आपके सॉफ्टवेयर में फिर से देख, आप पूरा देख सकते हो, दिखाऊं, यहां से रन करोगे ना बिल्ड एंड रन, तो आपको स्क्रीन पूरी दिखाई देगी, ये देखो हेलो अमित भी दिख रहा है, हाँ लिखा हुआ आ गया, प्रोसेस रिटर्न मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया, एग्जीक्यूशन टाइम 0.48 सेकेंड, मतलब आधा सेकेंड, लगभग आधा सेकेंड लगा एग्जीक्यूट होने में, इसीलिए आया चला गया वहां पे। ये तो सॉफ्टवेयर है, ये बंद नहीं होने वाला, ये तो आप कर रहे हो काम इसके लिए, ये आपके लिए है, ये उसके लिए नहीं है, उसके लिए वो एप्लीकेशन है। और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, अब गया। अगर ये भी ऐसे ही जाता तो आप तो यहां पे भी नहीं देख पाते। आप क्या करो पता, प्रोग्राम खत्म हो रहा है कंपाइलर, 7 नंबर की लाइन, ये देखो खत्म हुआ, कितना टाइम लगा इस बार, तो 0.2 सेकेंड लगा खाली। आपको एक बात बताऊं, कंपाइलर इस कर्ली ब्रैकेट को जब क्रॉस कर देता है, 7 नंबर की लाइन है ना,
उसको क्रॉस कर देगा जैसे ही, प्रोग्राम खत्म। वही तो बताता है, फिर से एक बार दिखाता हूं, ये देखो बिल्ड एंड रन। हेलो अमित आया और यहां पे खत्म हो गया। इस बार 0.4 खत्म होने पे ये लाइन आती है। आप लोगों को किसने दिया था रेफरेंस क्लास के लिए? सर ने बताया था क्या? अच्छा, आएंगे बहुत सारे। अभी धीरे धीरे स्टूडेंट्स को पता नहीं है ना कि मैं यहाँ पे इस लोकेशन पे हूं। अब नासिक में भी ऐसे होता है मेरे साथ। अब जो बच्चे आते हैं मेरे पास क्लास करते हैं, वो यही बोलते हैं, सर आप यहीं पे बैठते हो, यहीं पढ़ाते हो, ये मेरे क्लास में किसी को नहीं मालूम, आप यहीं पे बैठते हो, यहाँ पे ही रहते हो, और सब आपको ऑनलाइन देखते रहते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं बोलता हूँ ठीक है बताओ भी मत, वैसे भी जगह नहीं होती, उनको बोलो ऑनलाइन ही करे, वो ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़े। फिर ऑफलाइन में नहीं एडजस्ट होता तो ऑनलाइन ही करवाने को उनको बोलते हैं हम। ये देखो आया, हेलो अमित। दूसरी चीज एक और बात बताता हूँ आपसे। अब बात ये है, मैं कंपाइलर को, कंपाइलर कौन से नंबर की लाइन क्रॉस कर रहा है, तो प्रोग्राम एंड हो रहा है 7 नंबर, कर्ली ब्रैकेट को क्रॉस कर रहा है। अगर ये लाइन ऊपर होती, अब 4 नंबर क्रॉस कर देगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। हेलो अमित, हेलो पूजा, ऐसे लिख देता हूं। चलो ये देखो, हेलो पूजा, ऐसे लिख दिया। अभी फिर से रन करता हूं, यहां पे फिर से एक ऑप्शन है बिल्ड एंड रन, देखते हैं क्या होता है। हेलो अमित, हेलो पूजा, दोनों दिखाई दे रहा है और प्रोग्राम खत्म हुआ। 0.6 सेकेंड लगे, क्यों? कंपाइलर 5 नंबर की लाइन क्रॉस कर दिया होगा, खत्म हो गया। लेकिन यदि आप प्रोग्राम को खत्म ना होने दो तो कंपाइलर को रोक लो। अब आप बोलोगे रोकते कैसे हैं? है एक तरीका, एक फंक्शन है सी लैंग्वेज में जो कंपाइलर को 5 नंबर की लाइन पे रोक लेगा, 6वें पे जाने नहीं देगा। 6वें पे यदि कंपाइलर चला गया तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। एंड नहीं होने देना है क्या? रुको, गेट सी एच लिखो। अब देखो क्या होता है, गेट सी एच बोल रहा है कंपाइलर, तुम मेरे पास आ गए ना, तुमको नीचे ही नहीं जाने दूंगा। यदि नीचे लिखा रहेगा बाय, तो तुम बाय तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो देखते हैं ऐसा होता है क्या। फिर से करता हूं बिल्ड एंड रन। देखो आप खुद क्या प्रिंट हुआ, हेलो अमित, हेलो पूजा, और गेट सी एच पे रुक चुका है। बाय कहां प्रिंट हुआ? गेट सी एच बोल रहा है कंपाइलर, तुमको नीचे नहीं जाने दूंगा। अब कंपाइलर फिर बोल रहा है क्यों? तो ये बोल रहा है जब तक कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर ना एंटर हो जाए तब तक तो नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे गेट सी एच कहा जाता है, गेट कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर जब मुझे मिल जाएगा तो तुम्हें नीचे जाने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। चलो दे देते हैं कैरेक्टर, दबा दू कोई? मैं दबा रहा हूं क्यू, क्यू कहा, डब्ल्यू दबा दू, डब्ल्यू दबाया, आया बाय। अब उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है प्रोसेस रिटर्न एग्जीक्यूशन टाइम 36 सेकेंड। हाँ, प्रोग्राम खत्म होने में इस बार 36 सेकेंड लगे, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था अभी, और तब तक कंपाइलर को रोक के रखा था किसने? गेट सी एच ने, यही काम है। हाँ, लेकिन अगर आप बोलोगे गेट सी एच पहली लाइन में लिख दू तो भी ऐसा करेगा क्या? वो कभी भी ऐसा करेगा, जहां पे भी लिख दोगे वो यही करेगा। दिखाता हूं बिल्ड एंड रन। ये देखो रोक लिया उसने, उसने तो हेलो पूजा भी नहीं प्रिंट होने दिया। देखा आपने, हेलो पूजा और क्या लिखा था, हेलो अमित। हाँ नहीं दिख रहा है। हाँ कब दिखेगा? जब मैं कोई कैरेक्टर एंटर करूंगा तब। दबा दू कोई कैरेक्टर? पी दबा देता हूं, पी। हाँ हेलो अमित, हेलो पूजा, फिर रुक गया। क्यों? एक और गेट सी एच है उसके वजह से रुका है। दबा दू फिर, स्पेस दबाता हूं, दबा दिया। आया प्रोसेस रिटर्न एग्जीक्यूशन टाइम 30.192 सेकेंड, 30 सेकेंड लग गए। अब देखते हैं आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो किधर है, वो इधर है। डबल क्लिक करूं, किया, कुछ नहीं दिख रहा। क्यों? किसने रोका है? गेट सी एच, यही करता है वो। यू दबा दू, अब आ गया हेलो अमित, हेलो पूजा। अभी क्या बचा है? बाय। कोई की दबाऊं? दबाया, बाय आया और स्क्रीन भी बंद हो गई, क्योंकि गेट सी एच उसके नीचे कहां है? बाय के नीचे गेट सी एच नहीं है, दिखाऊं कहां है? इसीलिए बाय दिखा और स्क्रीन चली गई। प्रोग्राम खत्म होने पे स्क्रीन बंद हो जाएगी, क्यों रुकी रहेगी? इसीलिए प्रोग्राम अच्छा दिखे, इसलिए मैं अपने हर प्रोग्राम में गेट सी एच लिखा करूंगा, और जिसको एप्लीकेशन बना के दू उसके लिए स्क्रीन रुकी हुई रहे, इसलिए मैं गेट सी एच लिखूंगा। बाकी कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्रोग्राम में गेट सी एच ना लिखोगे तो भी चलेगा, आप तो यही रन करोगे ना।
बिल्ड एंड रन, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, लेकिन प्रोग्राम अच्छा दिखता है। देखो ना, हेलो अमित, हेलो पूजा, कितना साफ साफ, कितना क्लियर दिख रहा है, देख सकते हो आप, हेलो अमित, हेलो पूजा। हाँ, लेकिन आपके दिमाग में यदि एक सवाल आ रहा है, हेलो अमित के बाद तो लाइन बदल जानी चाहिए। क्यों नहीं बदल रही है बताता हूं, क्योंकि आपने यहाँ पे बैक स्लैश एन नहीं लिखा है। बैक स्लैश एन इज अ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होता कभी। लेकिन यदि मैंने एक से ज्यादा बैक स्लैश एन लिख दिए तो, हाँ तो उतनी बार लाइन बदलेगी। देखते हैं रन करके, बिल्ड एंड रन। हेलो अमित, दो तीन बार देखो लाइन बदली, और हेलो पूजा, देखा आपने, क्योंकि वो बैक स्लैश एन लाइन बदलता है। अब आप बोलोगे नहीं मुझे बैक स्लैश एन को भी प्रिंट करना, करके दिखाओ। ऐसा अगर आपके दिमाग में सवाल आया तो है ना जवाब, डबल स्लैश यूज करो। देखते हैं, एक बार दिखा, एक बार, क्योंकि आपने एक के पहले, आप बोलोगे नहीं मुझे डबल स्लैश एन दिखाओ, डबल स्लैश एन दिखाओ, आप तो सिंगल स्लैश एन दिखा रहे हो, तो एक और लगा दो उसके आगे। आप बोलोगे ट्रिपल, तो आप लगाते बैठो फिर एक 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 करके, यही तरीका है। तो इसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। अभी इसमें, हाँ इसमें स्लैश नहीं आएगा, इसको आपको सिंगल कोट लगा के फिर से प्रिंट ऑफ लिख के ये भी किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये भी हो जाएगा। तो इसके वजह से आप कैसे भी चाहो वैसे कुछ भी कर सकते हो, जो भी चाहिए वो करो, सब कुछ पॉसिबल है। फिर आप बोलोगे आपने अलग अलग लाइन में प्रिंट ऑफ क्यों लिखा, एक लाइन में नहीं लिख सकते थे क्या, हेलो अमित हेलो पूजा, चलता है ना, मैं तो ये बता रहा हूँ ये भी चलता है, बताना तो पड़ेगा कि नहीं। दो दो बार प्रिंट ऑफ लिखा जा सकता है, एक बार में भी काम होगा ये मुझे भी पता है, लेकिन दो बार भी लिख सकते हो ये भी बताना जरूरी है। तो ये चीजें होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कैसे काम करती, क्या काम करती है। एक बार सर से खाली पूछ लेता हूं मैं कि टाइम उनकी बैचेस वगैरह है कि नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि मैं 4:30 से 6 तक यूज करूंगा आपका क्लासरूम, और अभी 6:30 हो गए हैं, तो एक बार पूछना भी जरूरी है। तो वैसे कल सुबह जो संडे का क्लास होगा हमारा, जिसमें मैं डेटा टाइप्स के बारे में बात करूंगा, इंट, कैर, फ्लोट, ये सब क्या होता है, स्कैनएफ क्या होता है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो बेसिक बच्चों को नहीं पता होती। आप खुद एक हफ्ते के बाद जब प्रोग्रामिंग खुद से करने लग जाओगे तब देखना आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा। क्लास में दूसरों के प्रोग्राम बनने से पहले आपके बनेंगे, तब आपको पता चलेगा। जो जब अब आप बोलोगे आपने हेडर फाइल्स नहीं लिखी, हमने तो किताबों में पढ़ा है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। नहीं, एनसी ने रूल बनाया है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने, कि हेडर फाइल्स को लिखना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, मन करे तो लिखो नहीं तो मत लिखो, इसलिए मैंने लिखता। लेकिन क्या होती है मुझे बताना तो पड़ेगा अगले लेक्चर में, कहां लिखा, कहां एरर आई, टर्बो सी में भी करता तो भी एरर नहीं आती, कहीं भी करो। ये बात टीचर्स को नहीं पता, पूछ लेना कभी कि मैडम हेडर फाइल्स ना लिखा तो चलेगा, देखो क्या बताते हैं, आप मुझे बताना, मैंने तो करके दिखाया। उनके ही सॉफ्टवेयर को यूज करो, कोई भी, कहीं भी, मैं तो बोल रहा हूं कहीं भी, .c एक्सटेंशन देना जरूर। क्या होता है कभी कभी आप .cpp छोड़ देते हो और फिर रन करते हो, नहीं होता, फिर बोलते हैं क्या बोला था, .c होना चाहिए, क्योंकि एनसी ने रूल C++ के लिए नहीं बनाया, सी के लिए बनाया, आपको ये चीज समझनी है बस। तो ठीक है, इतना ही पढ़ाता हूं चाहिए तो आज, बाकी हम अपने अगले लेक्चर में देखते हैं। और कल सुबह रहेगा 10:15 को, 10:15 to 11:15 के आसपास वो टाइम पे हम रखेंगे। कल छुट्टी है आप लोगों को, हाँ आ सकते हो ना कल भी, ठीक है, चलो फिर बाय सबको, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं सबको बाय। डेटा टाइप और ये सारी चीजें अपने अगले लेक्चर में हम कवर करते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। बाय सबको, हाँ ऑनलाइन वालों का भी, हाँ इनपुट आउटपुट वो भी बताऊंगा, प्रिंट ऑफ स्कैनफ के बारे में अगले लेक्चर में। कुमार, बाकी तो ठीक है, आप सेकेंड ईयर में हो रमन यूनिवर्सिटी में, अमन ठीक है, ठीक है, चलो बाकी के तो आपस में बात कर रहे हैं उसमें क्या पढ़ूं मैं।